हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और आज के इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं यहां पर आप सभी की फेवरेट कैटरीना कैफ के बारे में। तो वहीं पर ऋषि कपूर जो इस दुनिया में नहीं रहे, तो आखिर किस वजह से अब इनकी खबरें वायरल हो रही है। दरअसल बात की जाए यहाँ पर, जब रणबीर और आलिया की शादी हुई तो उसके पहले कई ऐसी खबरें वायरल हुई ऋषि कपूर को लेकर, आलिया रणबीर की शादी को लेकर, रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी दीपिका और कैटरीना को लेकर। तो इसी बीच यहाँ पर ऋषि कपूर और कैटरीना कैफ के बीच हुए एक किस्से की बात यहाँ पर वायरल होती नजर आ रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि ऋषि कपूर का दर्द छलकता हुआ नजर आया था जब उनकी निधन नहीं हुआ था। उससे पहले उन्होंने कहा कि कैटरीना कैफ की वजह से मेरा बेटा रणबीर मुझसे अलग हो गया था, मेरा बेटा रणबीर मुझसे अलग रहने लगा था। दरअसल बात करते चले यहाँ पर, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बॉलीवुड को एक नहीं बल्कि यहाँ पर शानदार फिल्में ऋषि कपूर दे चुके हैं। तो वहीं पर बेटे को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो काफी दर्द में दिया। दरअसल यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनका यानी कि बेटा रणबीर कपूर एक लड़की के लिए मुझे और मेरे घर को छोड़कर चला गया। जिस लड़की के बारे में ऋषि कपूर बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की नामी अभिनेत्री कैटरीना कैफ है। इसी वजह से मीडिया में इस समय इन्हीं की बातें हर जगह होती हुई नजर आ रही है। जब इसके पीछे का कारण पूछा गया तो यहाँ पर कैटरीना के साथ वो रहना चाहते थे, जिसके चलते सिर्फ कैटरीना के लिए वह अपने माँ बाप को छोड़कर चले गए। इसी वजह से ऋषि कपूर ने कहा था कि मेरा बेटा लड़की की वजह से मुझे ही छोड़कर चला गया। आपको बता दें, हाल ही में ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर ने बॉलीवुड की नामी अभिनेत्री आलिया भट्ट से शादी रचा ली है। लेकिन कैटरीना कैफ पर यह एलिगेशन लगते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने ऋषि कपूर को अपने ही बेटे रणबीर कपूर से दूर कर दिया था, जिस वजह से यहां पर कैटरीना कैफ पर इल्जाम लगते नजर आ रहे हैं कि क्योंकि वो लिविंग में कैटरीना कैफ के साथ रहना चाहता था, जिस वजह से वो अपने परिवार को, वो अपने पापा को, अपनी मां नीतू कपूर को अकेला छोड़ कैटरीना कैफ के साथ लिविंग रिलेशन में रह रहे थे। तो इसी बीच यहाँ पर अब जब रणबीर और आलिया की शादी हुई है तो उसके बाद से ही खबरें काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आ रही है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर आलिया और रणबीर की शादी के बाद कैटरीना कैफ फिर से ट्रेंड पर बन चुकी हैं। कैटरीना कैफ जिनकी शादी विकी कौशल से हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनका नाम कहीं ना कहीं रणबीर कपूर के साथ जोड़ा जाता है। और ऋषि कपूर का स्टेटमेंट जो कि लगातार यहां पर वायरल हो रहा है कि कैटरीना कैफ पर वो इल्जाम लगाते नजर आए थे कि उनका बेटा कैटरीना की वजह से उनको, उनके परिवार को अपना घर छोड़कर किसी और घर में रहने चला गया कैटरीना कैफ के साथ। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।